हेलो, तो स्वागत है आप सबका टीम सोरेन के यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले आज के लिए जो अपना मैच रहेगा किस किस के बीच में, एक तरफ देखने को मिलेगी सलेम स्पार्टन्स, दूसरी तरफ रहेगी यहाँ से लाइका कोवे किंग्स। तो क्या कुछ इस मैच के रिलेटेड सारी चीज़ें रहती है, कैसे प्लेइंग इलेवन रहेगी और क्या कुछ चेंजेस होंगे दोनों ही टीम्स में, ठीक है। क्योंकि लाइका अपना जो मैच है पिछला वाला बढ़िया तरीके से जीत के, और सलेम स्पार्टन्स उतने ही बुरे तरीके से उनका जो पिछला मैच है वो हार कर आई है। तो क्या चेंजेस करेंगे, कैसे अपनी फैंटेसी टीम बनेगी, सब कुछ डिस्कस करने वाले। तो आखिर तक वीडियो को देखना, साथ साथ पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, दोनों चीज़ें करना, ठीक है आज। और जितने भी नए लोग हैं तुम सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तुम भी लाइक करो। चलो लाइक का टारगेट रखते हैं, काम मैं कभी रखता नहीं हूँ, बट आज लाइक का टारगेट रखते हैं। आप अगर 1500 लाइक यहाँ पर करा पाओ तो 1500 लाइक्स, 1500 लाइक्स, ठीक है, करा बहुत जल्दी से करा देना। मोटिवेशन मिलेगा यार आगे वीडियोस बनाने का, नहीं TNPL में ऐसे ही विन करने का जैसे अब तक अपन करते आ रहे हैं। बाकी उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी जो टीम्स अपडेट्स दिए हुए सब चीज़ें देखने को मिलती है, तो मिस नहीं करोगे, ठीक है। फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट कमेंट में जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी बात करें अपने मैच की, सलेम स्पार्टन्स वैसे लाइका कोई किंग्स के बीच में सलेम पर ही रहने वाला है मैच। अभी 2-3 मैच और यहीं पर देखने अपन को। बाकी यहाँ पर 14 मैचेस हो चुके हैं जिसमें 7 जीते बैटिंग फर्स्ट ने, 7 जीते बैटिंग फर्स्ट ने और बैटिंग सेकंड ने, ठीक है, बराबर बराबर अभी के लिए चल रहे हैं। और अभी जो पिछले कुछ मैचेस है यहाँ पर मैं बोलूँगा कि रन के मामले में ना यार ये ग्राउंड थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल टाइप रहा है। 24 जून को मैच हुआ, सलेम स्पार्टन्स बॉल ही नहीं खेल पा रही है, 98 पर ऑल आउट हो गए थे। उससे अगले दिन 25 जून को लाइका ने 206 बना दिए, उसी दिन ITT ने 201 बना दिए, और ये 25 से 26 जून पर आते हैं ना तो SMP ने उस मैच में बनाए भाई 141, और उन्होंने चेपक सुपर के लिए जैसी टीम को 129 रन पर रोक दिया। तो ये ग्राउंड ना रन के मामले में बहुत अनप्रडिक्टेबल रहा है, बट आज के लिए थोड़ा अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हो कि भाई कुछ तो निकले यार वेन्यू से, कुछ तो कैसे, तो मतलब सोच के आपको एक टीम बनाएंगे ना कि कैसे रन बने। तो देखो, सलेम स्पार्टन्स अगर पहले बैटिंग करते हैं तो भाई उनके जल्दी उनके या तो कम रन बनाने के या ऑल आउट होने के, ठीक है, दोनों के चांस रहेंगे। और वहीं अगर लाइका कोवे किंग्स पहले बैटिंग करने आ गए तो उनके पास में बैटिंग ऑर्डर ऐसा है जो वापस से आपको 170 से मैं बोलूँगा 200 तक कहीं भी रन वो फिर बना सकते हैं। 200 तो नहीं लिखा है मैंने, हाँ, पर 170 से 200 के बीच में कहीं पर भी वो रन बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और पेस और स्पिन की बात आती है तो वो मैं बोलूँगा अभी तक जो TNPL में कहानी रही है अभी तक इन मैचेस की, तो उसमें 16 विकेट पेस के फर्स्ट इनिंग में, 16 सेकंड इनिंग में, और स्पिन की बात करें पहली इनिंग में 16 विकेट और सेकंड इनिंग में 13 विकेट देखने में। तो पेसर्स और स्पिनर्स भाई अभी तक एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं विकेट्स लेने में। वहीं आते हैं अपने प्लेइंग इलेवन के ऊपर, सलेम स्पार्टन्स की तरफ से क्या प्लेइंग इलेवन आज के लिए जो देखने को मिलती है, तो उसमें आपको यहाँ से अमित सात्विक देखने को मिलते हैं। अब पिछले मैच में क्या था, पिछले से पिछले मैच में आर केविन को ओपन करने बुलाया था, अब इन्होंने बैटिंग ऑर्डर वापस से चेंज किया, आर केविन को किया बाहर, आकाश सुमरा को करा दिया ओपन वापस, और इसने कुछ नहीं किया, इसने वापस 0 रन ही बनाए थे, ठीक है, उससे पहले इसने 10 बनाए थे, बाकी एक विकेट निकाला। उसके बाद यहाँ से कौशिक गांधी है जो लगातार एक दो मैच में रन बनाए, उसके बाद में फ्लोप हुए, बट हाँ टीम का भरोसेमंद बैटर है एक यही है जो थोड़े बहुत रन बनाकर सलेम स्पार्टन्स के नैया पार लगा सकता है, तो एक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा प्लेयर, ठीक है, ले सकते हो बैटर सेक्शन में से। बाकी अमित सात्विक ट्राई करना हो तो कर लेना, अभी तक उतनी बड़ी इनिंग तो नहीं खेली है बट फिर भी 15-20 रन के आसपास बनाकर जा रहा है और कुछ आपको फील्डिंग वगैरह के पॉइंट दे देगा, ठीक है, तो मतलब ओवरऑल लेके चल सकते हो अमित सात्विक को आप यहाँ से। उसके बाद में मान बाफ ने, इन्होंने अभी तक कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग तो इग्नोर आप कर सकते हो इनको। बाकी उसके बाद में SABSEK है, ये भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए हैं। उसके बाद में गौरीशंकर, इन्होंने पिछले मैच में एक और नए प्लेयर को ऐड किया, गौरीशंकर लेफ्ट हैंड बैटर, 17 रन बनाए थे, और अगर इनका मैं ओवरऑल आपको डोमेस्टिक का एवरेज बताऊं तो भाई बॉलिंग से इन्होंने 193 विकेट निकाल रखे हैं, ठीक है, तकरीबन 190 इनिंग इन्होंने बॉलिंग किया, और रन की बात की जाए तो 45 के एवरेज के साथ में रन है, 7300 रन बना रखे हैं 209 मैच में। ये इनका डोमेस्टिक था जो बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई फर्स्ट क्लास या ऐसा कुछ है, कुछ ज़्यादा ही नीचे लेवल का परफॉर्मेंस है। उसके बाद में यहाँ से अदनान खान एज यूजुअल बहुत नीचे आ रहे हैं, 8 रन बनाए थे पिछले मैच में, उतने ज़्यादा स्मॉल लीग के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रैंड लीग में फिर भी आप ट्राई करके इनको चल सकते हो। उसके बाद में यहाँ से सन्नी संधु देखने को मिलते हैं, एज यूजुअल एक विकेट भाई ने निकाल ही लिया शुरुआत में। अब इनको पिछले मैच में क्या था, बॉलिंग डालने का उतना ज़्यादा मौका मिला भी नहीं, जैसा आपने देखा कि इन्होंने रन बनाए थे यहाँ से कितने, 98, और उस टारगेट को इन्होंने डिफेंड तो कर नहीं पाए थे, 13 ओवर में चेज कर दिया था CHM की टीम ने, तो इन्होंने सिर्फ 13 ओवर बॉलिंग की थी, तो भाई उसमें ज़्यादा ओवर डाले नहीं थे सन्नी संधू ने, तो फिर एक ही विकेट इनको मिला था। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँगा ये बॉलर बढ़िया है,
ठीक है, एक दो विकेट आपको हर मैच में निकालता हुआ दिख जाता है, लेकर चल सकते हो सन्नी संधू को। बाकी उसके बाद में ऐसे अभिषेक तंवर देखने को मिलते हैं शुरुआती ओवर में, इनको भी विकेट नहीं मिला बट बैटिंग आई तो 29 रन इन्होंने बना दिए थे। बाकी उससे पहले इनका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ठीक रहा है विकेट वगैरह लेने में, और बॉलर अच्छा है, शुरुआत में बॉलिंग करेगा, एक विकेट निकाल सकता है, ठीक है। बाकी यहां से अगर बात की जाए तो राजेंद्र कार्तिकेयन देखने को मिलते हैं, जीरो विकेट इनके नाम रहते हैं। सबसे सही चीज़ क्या है, आपको ये बैटर सेक्शन में देखने को मिल जाता है, रन कितने भी खाए इकोनॉमी के पॉइंट माइनस नहीं करेगा। बाकी उसके बाद में सचिन राठी है, जीरो विकेट इनके नाम रहते हैं, बाकी उससे पहले एक विकेट और एक विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी सलीम स्पार्टन्स की प्लेइंग 11। अब इनके पास में आपको बॉलर्स भी बता देता हूँ कि भाई कितने हैं और कौन कौन से। तो इनके पास में सचिन राठी है, कार्तिकेयन, अभिषेक तंवर है, सन्नी संधू है, उसके बाद में तो कोई आकाश सुमरा एक इनके पास में बॉलर है, ये पाँच तो ये हो जाते हैं, ठीक है। छठा बॉलर इनके पास में जो आएगा वो आएगा एज अ इम्पैक्ट प्लेयर गणेश मूर्ति, एज अ इम्पैक्ट प्लेयर गणेश मूर्ति आने वाले, जिन्होंने लास्ट मैच में एक विकेट निकाला था और नॉर्मली एक एक विकेट इन्होंने हर मैच में निकाल रखा है। बाकी अगर इनके बेंच की बात की जाए, मोकित हरिहरन है, आर केविन है, उसके बाद में युवराज है, 77 मैचेस में 91 विकेट्स के साथ में एस अरविंद है, जिनको ये मौका दे नहीं रहे। आई थिंक आर केविन तक को मौका दे दिया, मोकित हरिहरन को खिला लिया, तो फिर गौरीशंकर को खिलाया, तो फिर एस अरविंद को भी मौका दे ही सकते हैं, देते हैं तो आप ट्राई कर लेना आपकी ग्रैंड लीग टीम में। बैटर ठीक ठाक है, अब उतनी बड़ी इनिंग में भी ना खेले। देखो मेरे को बहुत बड़ी इनिंग सलीम स्पार्टन से किसी से भी उम्मीद नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीम इतनी बेकार है इनकी, ठीक है। बट हाँ, रन बना सकते हैं, बैटर ठीक ठाक है, आप कहीं ना कहीं 30-40 के अप्रोक्स आपको बना के दे सकते हैं, जो आपकी ड्रीम टीम में आने के लिए काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आके बना देते तो ट्राई कर लेना आपकी ग्रैंड लीग टीम में। एन सेल्वा कुमारन है, कुछ ज़्यादा खास तो इन्होंने किया नहीं है पिछले कुछ मैचेस में। आर जगन्नाथ श्रीनिवास है, एज एन ऑलराउंडर ये भी फ्लॉप रहे हैं। उसके बाद में आर प्रशांत है, इनके भाई 54 मैचेस में 50 विकेट है, 73 मैचेस में 1100 रन है। उसके बाद में एस गुरुसाई है, 20 मैच में 31 विकेट के साथ में। अब मैं आपको बॉलिंग भी बता देता हूँ कि भाई शुरुआत में किसने डाला किसने नहीं डाला। आपको पता है कि यहाँ से जो तंवर है और संधू है, ये आपको दो दो ओवर शुरुआत में डालते हुए दिखते हैं और लास्ट में जाके दो दो ओवर डालते हैं, ठीक है। मतलब डेथ की और यहाँ से जो शुरुआत की बॉलिंग की जो स्टार्टिंग ओवर जो डालने का है और डेथ ओवर जो डालने की जिम्मेदारी है, वो इन दोनों बॉलर्स ने उठा रखी है। बाकी फिर यहाँ से बीच में आकाश सुमरा है, कार्तिकेयन है, राठी और गणेश मूर्ति आपको डालते हुए दिख जाते हैं। आप इनके ओवर्स भी देख लो, पिछले मैच में क्या था, आकाश जो अभिषेक तंवर है उन्होंने सिर्फ पहला ओवर डाला था और सन्नी संधू ने दूसरा और चौथा ओवर, ठीक है, तो बचा भाई तीसरा। तो फिर उस केस में आकाश सुमरा यहां से बॉलिंग करने आ गए थे, कार्तिकेयन ने भी एक ओवर पावर प्ले में डाल ही दिया था और एक ओवर यहां सचिन राठी ने डाला था, कुल मिलाकर पांच बॉलर यूज कर दिए थे उन्होंने पावर प्ले में। उसके बाद में गणेश मूर्ति ने पूरे भाई यहां से एक तो डाला डेथ में और बाकी 9, 11, 17 इन्होंने कुल मिलाकर थोड़ा मिडल ओवर्स डाले थे। अब आते हैं अपने लाइका कोई किंग्स के ऊपर, ये टीम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर रन बनाने पाए तो बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बैटर है साई सुदर्शन, उसको आउट करते तो चांस है कि टीम जो है भाई 140-130 पर रुक सकती है, बट अगर साई सुदर्शन आउट नहीं हुआ तो समझो स्कोर गया 170 के ऊपर, 170 से ऊपर फिर कितने भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सुरेश कुमार है, लास्ट मैच भी ये 29 बना गए, तो ऑब्वियसली जैसा मैं बोलता हूँ कि सुरेश कुमार आप बिल्कुल ले सकते हो, बट हाँ आपके पास में अभी एक और ऑप्शन है लेने का। अगर सुरेश कुमार नहीं लेते हो तो सुजाई को ले सकते हो, पहले मैच में 72 बनाए, उसके बाद में 31। अब पहले इन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रखा है बट इस सीज़न में दो इनिंग तो ये ऑलरेडी अच्छी खेल चुके हैं। उसके बाद में यहाँ से आते हैं साई सुदर्शन, एक मैच फ्लॉप हुआ था बट उसके बाद में वापसी कर ली, 83 बना दिए पिछले मैच में भी, ऑब्वियसली CVC बनेगा आपके लिए। उसके बाद में राम अरविंद लगातार फ्लॉप रहे हैं, यू मुकिलेश बीच बीच में आकर कभी कभार रन बना देते हैं, जैसे 33 उसके बाद में यहाँ पर 34 बनाए थे, बस अपने लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल है, रीज़न बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, कि भाई ऊपर आएगी बैटिंग नीचे आएगी और यहाँ से पूरी बैटिंग करेगा अभी कि नहीं करेगा, तो वो एक यहाँ से डाउट रहते हैं। बाकी ग्रैंड लीग में तो कर ही सकते हो ट्राई। शाहरुख खान आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, 18 रन थे पिछले मैच में। अब रनों से उतना ज़्यादा इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, इस मैच में 17 बनाए, इसमें 18 बनाए, बट बॉलिंग से विकेट इनको हर मैच में मिला है, तो शाहरुख खान इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी यहाँ से एम मोहम्मद भी लगातार एक एक दो दो विकेट्स निकाल ही रहे हैं। के गौतम थमराई दो मैच में फ्लॉप हुए, उसके बाद में जाके इन्होंने पिछले मैच में निकाल दिए 3 विकेट, नई बॉल के साथ में डालते ध्यान रखना। और सलीम स्पार्टन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप उतनी ज़्यादा बेहतर है नहीं, तो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक के गौतम थमराई आज के लिए रह सकता है। उसके बाद में यहाँ से युधीश्वर रैना है, एज यूजुअल इनको दो ही ओवर मिले पिछले मैच में क्योंकि मार पड़ गई थी, अब ये उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, 3 विकेट निकाले उसके बाद में लगातार दो मैच फ्लॉप जा चुका है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा ग्रैंड लीग में आप ट्राई इनको ट्राई दे सकते हो, स्मॉल लीग में चाहे भाई लेना या मत लेना वो एक आप हटा सकते हो यहाँ से इनको, क्योंकि ओवर पूरे कराने का कोई भरोसा नहीं है, पहले ओवर में मार खा ली तो उसके बाद में ओवर इनको मिलेंगे नहीं,
उसके बाद में यहाँ से मणिवरण सिद्धार्थ है, अब ये लगातार विकेट अब निकालने शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल ले सकते हो आप इनको, पावर प्ले में बॉलिंग भी डालेगा। उसके बाद में सुब्रमण्यम है, ये वापस अपना एक एक विकेट जैसे ही निकालते रहते हैं हर मैच में, वैसे ही पिछले मैच में भी इन्होंने एक विकेट निकाला, उससे पहले विकेटलेस गए थे बट वापस से वही लय पकड़ ली एक विकेट वाली। तो ये है लाइका कोई किंग्स की तरफ से जो प्लेइंग 11 रहती है, ठीक है। अभी अगर इनके ओवर्स की बात की जाए तो सुब्रमण्यम, सिद्धार्थ, युधीश्वरन, गौतम थमारा ही है, मोहम्मद है, शाहरुख खान है, इनके पास में है भाई ये 6 बॉलर। और यहाँ से जो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं टीम में वो रह सकते हैं यहाँ से आतिकुर रहमान, जो कि आ रहे हैं, ठीक है, एज अ इम्पैक्ट प्लेयर अभी तक, तो आतिकुर रहमान। बाकी इनके पास में दिवाकर है, ग्रैंड लीग के लिए सीवीसी बनेगा अगर खेलता है तो, बाकी आतिकुर रहमान देख लेना लेते हो नहीं लेते हो। बी सचिन ने उतना कुछ खास किया नहीं है, किरण आकाश तो भाई विकेट निकाल रहा था बट स्टिल बाहर बैठाए गए हैं। उसके बाद में पी हेमचरण है, ओम प्रकाश, और यहाँ से विद्युत देखने को मिल जाते हैं आपको, रिकॉर्ड्स आप इनके देख जरूर लेना रिसेंट फॉर्म। अब ये तो है लाइका कोई किंग्स की तरफ से, ओवर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो देखो अगर पावर प्ले ओवर्स की बात की जाए तो यहाँ से एक स्पिनर एक पेस डालता है पावर प्ले ओवर्स में, एक तरफ से सिद्धार्थ आते एक तरफ से गौतम थमारा ही आते बॉलिंग कराने। उसके बाद में यहाँ से अगर मिडल ओवर्स की बात की जाए तो भाई मिडल ओवर डेथ में यहाँ से जो युधीश्वरन डाल जाता है, अब पिछले मैच में महंगा साबित हुआ तो सिर्फ 2 ही ओवर डलवाए गए और इनसे डेथ में बॉलिंग नहीं कराई गई। फिर डेथ में बॉलिंग किया था शाहरुख खान करने आ गया 17 और 19 ओवर डालने, जो कि यूजुअली होता नहीं है, कभी कभार देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें। बाकी उसको अपने सुब्रमण्यम, आपको पता है ये मिड ओवर्स में ही आते हैं। मोहम्मद जो है वो मिड में भी और डेथ में भी डाल सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं युधीश्वरन की तरह कि भाई मिडल ओवर भी डाल देगा जैसे 10 ओवर 16, और डेथ में भी आके एक ओवर डाल सकते हैं जैसे 18वां ओवर डाला था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट निकल कर वेन्यू के ऊपर, तो 4 मैचेस खेले यहाँ से सलीम स्पार्टन्स ने, उन्हीं का होम ग्राउंड है, वही सबसे ज़्यादा हारे हुए हैं, 4 में से अब तक एक ही जीत पाए। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से जो हमारी टीम रहती है लाइका कोई किंग्स, उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और तीनों जीते हैं इस ग्राउंड पर, उनका रिकॉर्ड इवन सलीम स्पार्टन से ज़्यादा बेहतर है, और आज के लिए भी जो जीतने के चांसेस है वो लाइका कोई किंग्स के ज़्यादा रहेंगे। हेडवर्ड की अगर बात करें तो उसमें सलीम स्पार्टन्स आगे हैं, ठीक है, ओवरऑल 5 मैचेस में 3 सलीम स्पार्टन्स ने जीते हैं, 2 जीते हैं लाइका ने, तो यहाँ पर थोड़ी आगे, बट ज़्यादा मैटर करेगा नहीं है क्योंकि इस सीज़न लाइका ज़्यादा बढ़िया खेल रही है। उसके बाद में बात करते हैं अपनी टीम की कि आज के लिए जो हमारी टीम है वो क्या रह सकते हैं। टीम की बात करें, विकेट कीपर में सुरेश कुमार है, शाहरुख खान है, सुदर्शन है, गांधी है, 3 अपने जो इम्पोर्टेंट बैटर थे तीनों को रखा है, सन्नी संधू, गौतम थमाराई, उसके बाद में मोहम्मद, सिद्धार्थ और सुब्रमण्यम, जिनके मतलब मोस्टली ओवर डालने के चांसेस ज़्यादा है। सुब्रमण्यम का भरोसा नहीं है देखो कि पूरे 4 डालकर जाए या ना जाए, तो आप युधीश्वरन या सुब्रमण्यम में किसी एक को ले सकते हो। बाकी यहाँ से मैंने तंवर और राठी को रखा है, राठी को रिप्लेस करके अगर चाहो तो मान बाफना आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज फिर राठी ही बेस्ट लेना। तो ये हो जाती है टीम, कैप्टन किया है सुदर्शन को, वाइस कैप्टन किया है शाहरुख खान को, वाइस कैप्टन अगर आप चाहो तो तंवर वगैरह को ट्राई कर सकते हो जो नॉर्मली हर मैच में विकेट निकाल ही लेते हैं, तो अगर करना हो तो। बाकी सेफ जाना है तो सुदर्शन और शाहरुख खान से बेहतर फिर कोई कैप्टन वाइस कैप्टन है नहीं। तो ये तो जाती है आज के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना। और हाँ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जीतना है इस मैच में। बाकी ऑल द बेस्ट आपको इस मैच के लिए, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्दी।